हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दिस इज किरण गोस्वामी एंड एज यू नो सो बेटा, जैसे कि हमारा जो चैप्टर है, आप सभी को पता होगा क्या है हमारा चैप्टर नेम। हमारा जो चैप्टर नेम है वो हमारा है द टेम्परेट ग्रासलैंड, राइट? हमारा ये है द टेम्परेट ग्रासलैंड, ये हमारा जो है चैप्टर है ना। तो बेटा इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, हमने जब लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एनिमल लाइफ, यहाँ की एनिमल लाइफ क्या है। जो टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो यहाँ पे कई सारे वैरायटीज़ मिल जाएंगी आपको देखने के लिए, किसकी होम टू अ वैरायटी ऑफ रोडेंट्स लाइक रेड हेयर रैबिट, है ना, पैरी डॉग एंड हैमस्टर। यहाँ पे आपको बहुत सारी इनको देखने को मिल जाएंगे। सब बहुत सारे बड़े एनिमल्स ग्रासलैंड में आपको देखने को मिल जाएंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जिसके आपको बाइसन और ग्रेजी बियर इसके नाम लिखे हुए हैं। अगर साउथन हेमिस्फीयर की बात करें तो एनाकोंडा, वहाँ पे आपको क्या है देखने को मिल सकते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें, जैसे डियर, एंटीलॉप, लायन, चीता, लेपर्ड, एलिफेंट, जिराफ एंड द हिप्पोडोमस, ये सारे जो है एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना। जैसे बर्ड्स के भी यहाँ पे कई सारे नाम लिखे हुए हैं, बर्ड्स के भी आपको जो अलग अलग वैरायटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। स्मॉल एनिमल्स की बात करें वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, स्क्वायरल यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कई सारे, है ना। ये सारे एनिमल्स जो है आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बेटा होमवर्क मतलब नोट डाउन कर लीजिए, जो भी यहाँ पे एनिमल्स बर्ड्स के नाम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको अपनी कॉपीज में पेस्ट करने हैं इनके पिक्चर्स एंड विद नेम, राइट? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में। ह्यूमन लाइफ की बात करें तो बेटा यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट टू द ग्रासलैंड रीजन, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैरिड हुई हैं ग्रासलैंड रीजन के यहाँ पे। जैसे कि दिस ग्रासलैंड हैव सुटेबल क्लाइमेट एंड फर्टिलिटी, जैसे कि यहाँ पे जो ग्रासलैंड है वो क्लाइमेट जो है बहुत सुटेबल है एंड सॉइल बहुत अच्छी है यहाँ पे, ठीक है, जिसके जैसे यहाँ पे वीट और मेज जो है यहाँ पे मतलब ग्रो किए जाते हैं, है ना। और अगर नॉर्थन की, अगर पैरे की नॉर्थन की बात करें तो यहाँ पे वीट, बेली, राई, फ्लैक्स एंड ओट्स जो है यहाँ पे मतलब उगाए जाते हैं। इनफैक्ट पैरेज आर द बिगेस्ट वीट प्रोडक्शन, जो ये पैरेज जो है बिगेस्ट वीट प्रोडक्शन एरिया है वर्ल्ड का, एंड USA एक्सपोर्ट सल्फर्स वीट टू अदर कंट्री, और ये क्या करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या है कि इसको ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो मशीन्स जो है हार्वेस्टिंग के लिए, मशीन्स वगैरह काफ़ी सारे यूज़ की जाती हैं, जो मशीन्स होती हैं यहाँ पे उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मशीन्स होती है, जैसे लिखा है ना कंबाइंड हार्वेस्टिंग के लिए मशीन्स यहाँ पे यूज़ की जाती है, जिसको कंबाइंड हार्वेस्टिंग किया जाता है। वीट इज़ आल्सो ग्रोन इन रशिया, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, वीट जो है यहाँ पे क्या कहते हैं उगाया जाता है। और बहुत बड़े जो है यहाँ पे बीन्स होते हैं जिनको सेल्स बोलते हैं, जो कि बहुत बड़े कनस्तर होते हैं जिनमें कि ये हार्वेस्ट वगैरह क्या किया जाता है वहाँ पे रखा जा हार्वेस्ट वगैरह वहाँ पे रखा जाता है, है ना। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। बेटा मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने चैप्टर आपको करवा दिया था, बट फिर भी चलो एनीवे मैं आपको फिर भी करवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर देखी ना सेल्स की, इसमें क्या होता है बहुत सारे बल्क में जो स्टोरेज ग्रेन जो है बल्क में यूज़ किया जाता है। और एग्रीकल्चर की बात करें यहाँ पे तो एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा होता है, एंड क्या कहते हैं यहाँ पे लिखा बिसाइड एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक रांचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द ग्रासलैंड। इन दिस ग्रासलैंड स्पेस स्पेशल ग्रासेस सच एज द अल्फाल्फा एंड क्लोवर आर ग्रोन फॉर द एनिमल। न्यू जीलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स डेयरी फार्म्स इन द डाउन, डेयरी फार्म्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है। काउबॉयज़ इन नॉर्थ अमेरिका राइड हॉर्सेज एंड टेक केयर ऑफ द कैटल इन फार्मर कॉल्ड द रांचीज, जो काउबॉयज होते हैं नॉर्थ अमेरिका के, जो कि हॉर्स राइडिंग करते हैं एंड इनका ध्यान रखते हैं फार्म में, उनके बोलते हैं रांचीज बोलते हैं रंचीज बोलते हैं और साउथ में इनको क्या बोला जाता है गाउचर्स बोला जाता है।
दे राउंड अप द कैटल ऑफ द यूनिवर्स फार्म्स नोन एज सेंसियस दीज कॉबर्ट्स आर स्किल्ड द हाउस मैन एज द प्रेजेंट द अर्जेंटीना अर्जेंटीना इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्ट ऑफ द मीट एंड द हाई अर्जेंटीना जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा वो है लीडिंग करता है एक्सपोर्ट किसे मीट और लेदर की प्रोडक्शन के लिए है ना। अब लास्ट पेज में अगर हम आएंगे तो लास्ट पेज में क्या है नोमिडास हेडिंग इज द प्रैक्टिस बाय द ट्राइब्स विच आर द स्टिल फाउंड इन द ग्रासलैंड। नोमिडास की अगर बात करें तो अभी भी क्या कहते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं कुछ ट्राइब्स होती हैं क्रिजाज ऑफ द स्टेप्स हु ग्रेज ऑक्सन शेप गोट एंड हॉर्सेज दे आर नो नाउ ऑल्सो सेटल डाउन इन द फार्म लाइफ एंड अदर ट्राइब्स यहाँ पे दो ट्राइब्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं और क्या कहते हैं ये यहाँ पे क्या कहते हैं अपने जैसे कि शेप गोट्स वगैरह इन सबको यहाँ पे क्या कहते हैं चराने के लिए लाते हैं ठीक है। और फिर अगर और ट्राइब की बात करें तो हॉटेंटोट्स इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका हु रियर्ड कैटल जो कि गोट शेप ये है यहाँ पे। नाउडेज दीज ट्राइब्स आर सेटल डाउन इन टाउन और आजकल की बात करें तो ये ट्राइब्स जो है कहाँ पर टाउन और सिटीज में जाके सेटल हो गए हैं ठीक है बेटा। एक क्विक रिव्यूज पढ़ लेना आप एंड न्यू वर्ड्स को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ ठीक है। आगे की एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ठीक है। नेक्स्ट क्लास में होप आपके लिए चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि हमारा है द हॉट डेजर्ट ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए बाय टेक केयर सी यू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।